गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट टेस्ट का सेकेंड चैप्टर करेंगे। एक चैप्टर हमने पहले से कर लिया हुआ है और अभी हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका लेसन नंबर 13, कायांतरण। अभी सभी चैप्टर खोलेंगे। लेसन नंबर 13, कायांतरण आपका चैप्टर है, ये आज हम करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पर लेसन का नाम है कायांतरण, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, काया प्लस अंतरण। काया मीन्स परिवर्तित होना और अंतरण मीन्स मन। काया मीन्स चेंज होना, क्या चेंज होना? अंतरण, मन चेंज होना, उसे हम कहते हैं कायांतरण। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक छोटे बच्चे की स्टोरी है और एक चोर है। ठीक है, ऐसी स्टोरी है कि जिसमें कि चोर आया तो उनके घर में चोरी करने, लेकिन बच्चे का अच्छा व्यवहार देखकर, उसका बिहेवियर देखकर, वो चोर उनके घर में नौकर बनकर रहना चाहता है। उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है, उसका अंतरन जो अंतर मन है वो चेंज हो जाता है। ऐसी ये स्टोरी है। तो मैं आपको स्टोरी का सार समझा दूंगी। सार समझाने के बाद हम वर्ड मीनिंग करेंगे और मुहावरे करेंगे। आप इस स्टोरी को घर पे एक बार रीड करेंगे ताकि वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो मैं आपको इसका सार समझाऊंगी। ये जो स्टोरी है एक छोटे बच्चे की है, 8 साल का एक बच्चा है जिसका नाम है श्लेष। ठीक है, श्लेष उस बच्चे का नाम है। तो जो श्लेष है वो अपने पिताजी के साथ में रहता है, उसकी माताजी नहीं है। तो उसके पिताजी बीमार होते हैं तो वो अपने पिताजी की देखभाल कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे बाहर, उसे ऐसी आवाज़ आती है कि बाहर शायद कोई है। तो वो जाकर देखता है तो एक आदमी उनकी दीवार को कूदकर उनके घर में आने की कोशिश कर रहा होता है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। बहुत अच्छी पिक्चर है। इस पिक्चर में दिखाया हुआ है कि एक दीवार है, इसके ऊपर कांच लगे हुए हैं और एक आदमी यहाँ से आ रहा है और उसके पैरों से खून बह रहा है। नीचे ये बच्चा स्टूल लेकर खड़ा है। तो श्लेष क्या करता है कि जब वो चोर को देखता आते हुए, तो वो उसको कहता है कि तुम वही रुको, मैं तुम्हारे लिए स्टूल लेकर आता हूँ, क्योंकि अगर नीचे ऐसे गिरोगे तो पैर में चोट लग सकती है। तो वो जो चोर है वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है श्लेष के ऐसे व्यवहार को देखकर। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि ये बच्चा क्यों ऐसे कर रहा है। उसे तो अपने लिए वैसे ही व्यवहार की उम्मीद होती है जैसा कि समाज में एक घृणित व्यक्ति के साथ किया जाता है, लेकिन जो श्लेष होता है उसके लिए मरहम पट्टी भी लेकर आता है। ठीक है, कि तुम्हारे पैर में चोट लग गई है, मैं तुम्हारे मेडिसिन लगा देता हूँ, और फिर उसे बोलता है कि तुम चिल्लाना मत, जो भी तुम ले जाना चाहते हो तुम चुपचाप ले जाओ, लेकिन शोर मत मचाना। क्यों? क्योंकि उसके जो पापा हैं वो कई दिनों के बाद आज सोए हैं। ठीक है, तो चोर बड़ा हैरान सा होता है कि ये बच्चा क्या कर रहा है। तो पहले तो वो सोचता है कि शायद ये कोई चालाकी चल रहा है, कि ये किसी को बुलाएगा या कोई चालाकी करके मेरे को फंसाएगा, पहले तो वो ये सोचता है। लेकिन बाद में वो बच्चे का व्यवहार देखकर बहुत हैरान होता है। तो फिर वो जो चोर है उससे पूछता है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि मेरे पापा आज कई दिनों के बाद सोए हैं। ठीक है, और फिर वो उसके लिए, चोर उसके लिए ब्रेड लेकर आता है। मरहम पट्टी तो लाता ही लाता है, फिर उसके लिए ब्रेड भी लेकर आता है और उसे बोलता है कि घर में सिर्फ यही है खाने को, और तुम ब्रेड का स्लाइस लेकर और पानी पी लो। ठीक है, तो जो चोर होता है वो बड़ा हैरान होता जाता है उसकी सारी बातें देखकर। देखिए यहाँ पर एक बड़ा ही सुंदर पैराग्राफ दिया हुआ है। निश्चल बाल वृत्ति से चोर बुरी तरह पराजित होता गया। निश्चल मीन्स बिना छल कपट से। जो बच्चा था वो बिना किसी छल कपट से चोर के साथ व्यवहार कर रहा था, तो जो चोर है वो पूरी तरह से पराजित हो गया, मीन्स हार गया उसके सामने। दया से उसकी आंखें भीग आईं। ठीक है, उसका व्यवहार देखकर उसकी आंखें भीग आईं। श्लेष उसकी आंखों में आंसू देखते ही अंदर को दौड़ पड़ा। दूसरे ही क्षण जब वह लौटा तो उसके हाथों में एक कैप्सूल, 2-4 स्लाइस ब्रेड और एक गिलास पानी था। उसने कहा, शायद जख्म का दर्द बढ़ गया है, तुम यह खा लो।
पापा के दर्द के लिए डॉक्टर अंकल ने दिया है। भूख लगी हो तो ब्रेड खा लो, और तो मेरे घर में कुछ है नहीं। वास्तव में हमारा नौकर 10 रोज पहले घर का कुछ सामान लेकर दिन में ही भाग गया। तो जो श्लेष होता है वो सोचता है कि शायद जो चोर है उसके दर्द हो रही होगी, इसलिए वो रो रहा है। तो वो उसके लिए कैप्सूल भी लेकर आता है और उसको ब्रेड भी देता है और सारा उसको अपने घर के बारे में भी बताता है कि जो हमारा एक नौकर है वो घर का कुछ सामान लेकर चला गया। लेकिन जो चोर होता है उसका ये व्यवहार देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और उसका मन चेंज हो जाता है, जैसा कि इस पिक्चर में भी दिखाया हुआ ना कि देखो चोर के आंखों में आंसू आ गए उसका ये व्यवहार देखकर। फिर वो क्या कहता है उस बच्चे को, बड़ा ही सुंदर आगे दिया हुआ है ये पैराग्राफ। चोर में अब खुद को रोकने की सामर्थ्य नहीं थी, उसने श्लेष को अपनी गोद में उठाकर गले से लगाकर चूम लिया। भरे गले से बोला, क्या बोला, बेटा जो व्यवहार तुम्हें आता है वह तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी नहीं आता। अब मैं इस घर से नहीं जाऊंगा, तुम्हारे पापा जब जागेंगे तो मैं उनसे एक विनती करूंगा। क्या विनती करना चाहता है वो, विस्मय से श्लेष बोल उठा, क्या कि क्या विनती करोगे। यही कि आपके घर में एक नौकर चोर बनकर भाग गया था और अब एक चोर नौकर बनकर जाना चाहता है। ठीक है, कि उसका इतना हृदय परिवर्तन हो गया कि पहले उनके घर से एक नौकर चोर बनकर भाग गया, अब एक चोर नौकर बनकर उनके घर में रहना चाहता है। श्लेष फटी फटी आंखों से उस चोर को देखते हुए सोचने लगा कि पापा के जागने पर वह पूछेगा कि ऐसा क्यों कहा, कि उसने ऐसा क्यों कहा। जो श्लेष है उसे ये बात समझ में नहीं आती। तो चोर का इतना ज़्यादा हृदय परिवर्तन हो गया कि अब वो उनके घर में नौकर बनकर रहना चाहता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी स्टोरी थी। इस स्टोरी को आपने बहुत अच्छी तरह से रीड करना है क्योंकि चैप्टर के अंदर से भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से 2-3 बार रीडिंग करना। ठीक है, आगे देखेंगे वर्ड मीनिंग। फर्स्ट है कायांतरण। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कायांतरण मीन्स मन या शरीर में नए भाव का उदय। ठीक है, मन या शरीर में नए भाव का उदय होना, कि मन में या शरीर में नए भाव आना। देन सन्नाटा, खामोशी, अधिक शांति। देन बेसुध, बेहोशी जैसी हालत में, बेहोशी जैसी हालत में। उसके बाद है मानव आकृति, मनुष्य के आकार का। देन तक्षण, उसी समय। युक्ति, तरकीब, अजीब, विचित्र, अजीब, विचित्र। देन अबोध, जो ठीक से नहीं जानता, उसे कहते हैं अबोध। हैरान, आश्चर्यचकित, मीन्स हैरान हो जाना। निर्द्वंद्व, ये वर्ड है निर्द्वंद्व, जिसे शंका ना हो, मीन्स कोई शंका ना होना, कोई डाउट ना होना। तकलीफ, कष्ट, बोझिल, भारी। अनुराग, प्रेम, आहिस्ता, धीरे से। निश्चल बाल वृत्ति, बच्चों का छल कपट रहित व्यवहार। छल कपट होता है धोखा ना देना बिना किसी धोखे के। पराजित होना, हार जाना। अलाव, खुले स्थान में लकड़ी, घास फूल से जलाई गई आग। आप ऐसे ही लिख सकते हैं, अलाव, घास फूस से जलाई गई आग। देन घृणित, जिससे घृणा की जाए। घृणा होता है नफरत करना, जिससे नफरत की जाए घृणित। बर्ताव, व्यवहार, विचलित, परेशान। सामर्थ्य, शक्ति। विनती, प्रार्थना। तो स्टूडेंट्स, ये आपके वर्ड मीनिंग है, इनको अच्छी तरह से लर्न करना है वर्ड मीनिंग को। उसके बाद हैं आपके मुहावरे। मुहावरे में वाक्य आपने खुद बनाने हैं। ठीक है, आपको चैप्टर में से भी वाक्य मिल सकते हैं, तो वाक्य आपने खुद बनाने हैं। और ये जो मुहावरे हैं इन्हें कॉपी में करना है, अपनी हिंदी की कॉपी में मुहावरे
पहले मुहावरा लिखना है, फिर उनका अर्थ लिखना है और फिर आके आपने वाक्य बनाने हैं। फर्स्ट है ठगा सा रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। ठीक है, ठगा सा रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। जैसे कि श्लेष के व्यवहार को देखकर चोर ठगा सा रह गया। नेक्स्ट वन, दिमाग से पैदल होना, मूर्ख होना। ठीक है, दिमाग से पैदल होना, मूर्ख होना। देन आंखें भीग जाना, सुख अथवा दुख से आंखों में आंसू आना, उसे कहते हैं आंखें भीग जाना। जैसे कि श्लेष के व्यवहार को देखकर चोर की आंखें भीग आईं। देन फटी फटी आंखों से देखना, आश्चर्य से देखना। ठीक है, ये आपके मुहावरे हैं, वर्ड मीनिंग है और ऐसे, सॉरी नॉट ऐसे, लेसन का सार। इस वीडियो में हमने यही करना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है, उस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे और भाषा ज्ञान की सारी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।